फैसले की जाए तो सूबे अपना अपना बंदोबस्त खुद करें। और ये इस्लामाबाद से बैठ के जैकबाबाद की बिजली ठीक नहीं कर सकते, इस्लामाबाद से बैठ के ये दादू को गैस नहीं दे सकते। मुकम्मल तौर पे निज़ाम भी फेल है और ये नाहल भी हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक ही तजुर्बा हम कहते हैं कि और एनर्जी का जो मसला है पाकिस्तान का, उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ सिंध के पास है। उसकी कुंजी जो है इस मसलों के हल की वो सिंध के पास है। सिंध से रब्ता करें, वज़ीर आज़म जो हैं वो वज़ीर आला सिंध से रब्ता करें, उनसे बोलें इस मसले का हल निकालें, हम इसको हल निकाल के देंगे उनको। इस पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, जो कि मतलब उसका वाहिद हल यही है कि सिंध से रब्ता किया जाए। सिंध से जो गैस और बिजली और विंड कॉरिडोर, सस्ती बिजली यहाँ पैदा होती है, कोल से जो हमारी सस्ती बिजली पैदा हो सकती है, उसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं और इस मुल्क को एनर्जी के बहरान से हम निकाल सकते हैं। तो हमारा ये मुतालबा है। और इसके अलावा एक और चीज़ हमने देखी कि यहाँ कुछ दिन पहले हमारे एमपीए साहब हैं, हमारे सबका लीडर ऑफ अपोजिशन, जिन्होंने किसी वक्त कहा था, अपनी क़यादत को कहा था कि कुछ कराची के जब गैस का और बिजली का मसला था, लोड शेडिंग का मसला था, तो उन्होंने वज़ीर आज़म के लिए कहा था और अपनी क़यादत के लिए कहा था कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। हम तो समझते बड़ा तगड़ा आदमी है और कोई ना कोई काम करके दिखाएगा, लेकिन फिर उसको सज़ा दी गई, उसको वहाँ से हटा दिया गया और फिर उसने कुछ गैरत खाई कि कहा मैं बिजली में इस्तीफ़ा देता हूँ, लेकिन आज फिर वो सुना है कि इस्तीफ़ा देने से भी फिर गया और कहा कि क़यादत मुझे कहे। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह की डेंगे मत मारा करें आप, कि मतलब जो पूरा ना कर सकें, और अगर आपने अपनी ज़बान दी है असेंबली की फ्लोर पर खड़े होकर, उसको कम अज़ कम पूरा करें और अपनी इज़्ज़त का कम अज़ कम ख्याल करें। जिस खातून के घर में गैस नहीं आया था, रोज झगड़े भी होते हैं और शोर और मियाँ बीवी के झगड़े आज तक, क्योंकि सुबह वो पराठे नहीं पका के देती, वो शोर का मुंह तर जाता है। बिजली जो कि तकरीबन शहरों में 12 और बाकी पूरे देहात में 18-18 घंटे नहीं आती, गैस आप दें, बिजली आप दें, रेवेन्यू आप दें, सज़ा आप दें, किस बात की सज़ा है? देखें जी, ये सज़ा PTI की गवर्नमेंट जब से आई है, सिंध के लोगों को टारगेट किया गया है, सिंध के लोगों को निशाना बनाया गया है। सिंध के लोग इनको रिजेक्ट कर चुके थे, इनको वोट नहीं दिया उन्होंने, और वो मतलब और कराची में जो सीटें उन्होंने ली हैं, जिस तरह ली हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है, तो शायद उसी चीज़ की सज़ा दी जा रही है। जो सूबा गैस में खुद कफील हो, उसको गैस की मतलब बंदिश की जाए वहाँ, जो पेट्रोल दे रहा हो 40-45%, वहाँ मतलब लोड शेडिंग है और फर्नेस ऑयल नहीं दिया जा रहा सिंध के उसको पावर प्लांट्स को, और इसके अलावा अपनी नाहली की वजह से न उन्होंने LNG का बंदोबस्त किया, न उन्होंने फर्नेस ऑयल का बंदोबस्त किया, और न ही उन्होंने पानी का, जो कि इस वक्त तकरीबन कुछ 4 से 5 हज़ार मेगावाट शॉर्टफॉल है पानी की वजह से, न होने की वजह से वहाँ कोई बंदोबस्त कर सके। तो इंतज़ामी तौर पर, गवर्नेंस के तौर पर ये मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं, न इनमें सलाहियत है और न ही कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा है कि ये निज़ाम जो है इसको डिसेंट्रलाइज करें और ये बिजली का निज़ाम भी सूबों को दें, और इसके मिसालें कई मुल्कों में मौजूद हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी इस तरह है, कनाडा में भी इस तरह है, सूबे खुद चलाते हैं, खुद करते हैं, ऊपर से एक फेडरल होता है रेगुलेटर जो मतलब उनसे कोऑर्डिनेशन करके करता है, लेकिन ये सूबे खुद चलाते हैं। तो गैस का निज़ाम, बिजली का निज़ाम हमें छोटे सूबों तमाम सूबों को दिया जाए जो कि बेहतर तौर पर चला सकेंगे, और इस मसले का हल यही है। ये जब तक ये डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, तो इस तरह मैंने पहले कहा कि इस्लामाबाद से बैठ के जैकबाबाद की बिजली ठीक हो सकती है। ये बता दें कि आईन के आर्टिकल 158 के तहत सबसे पहले गैस पर हक जो है, खासतौर पर जो मदनियात होती है, उसको सूबे का है, तो ये इस तरह के जब आपके पास जवाब भी मौजूद है कानूनी, तो आप लोग अदालत के लिए जाते हैं? अदालत का हमने ऑप्शन सोचा है और अदालत के ऑप्शन पर गौर हो रहा है, हम अपने कानूनी माहिरीन से बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह उस पर भी अपनी कैबिनेट में ले जाएंगे, उस मसले को देखेंगे, अगर क्योंकि वहाँ भी हमें देखना पड़ता है कि किस तरह का माहौल चल रहा है, किस तरह की चीज़ें हैं, उसके बाद इसका कोई फैसला होगा। देखिए सिंध, मैंने तो पहले ही कहा कि कंपटीशन हर चीज़ में होनी चाहिए, लेकिन ये कुछ वादों के तहत
शायद कुछ एक दो साल, शायद एक साल है या कुछ दो साल मजीद इसमें कोई कंपटीशन वाला आंसर नहीं आ सकता वो माहदे के तहत है, लेकिन ओवरऑल कॉम्पिटिटिव ज़रूर होना चाहिए। और लेकिन आप देखें कि जो चीज़ें इनके हाथ में हैं जो कर सकते हैं वही नहीं कर रहे। जब गैस मंगानी है तो ये फर्निसाइल मंगा लेते हैं, जब फर्निसाइल मंगाना हो तो ये गैस मंगा लेते हैं, जब दोनों चाहिए तो दोनों नहीं मंगाते। तो जब उनका हाल ये है, इनकी अहलियत इनकी काबिलियत ये है, तो मतलब उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि फिर कराची के निज़ाम इस निज़ाम को भी छेड़ें, तो मैं समझता हूँ कि ये कर नहीं पाएंगे। बहरहाल कॉम्पिटिशन जो है वो हर फील्ड में होना चाहिए। सर ये बताएं कि आपने अगर सराटी गांव से बात की होगी तो सिंध के अंदर गैस का न्यूट्रल कब तक हल करने की प्लानिंग है, या बाहर से एलएनजी क्यों नहीं अफोर्ड कर रहा है? देखें जी, मैंने तो वही बात की कि वो उनमें नाहलियत है, वो कर नहीं पाए, करना चाहते तो कर सकते थे। और जहाँ तक ये जो लोकल फील्ड हैं, बंदरी पसार की फील्ड है या गंबट की फील्ड थी, वो उसमें बंद है, और उसमें भी प्लानिंग इन्होंने नहीं की। ईद के मौके पे कम से कम ये कर देते, ड्राई डॉकिंग ईद के मौके पे करते ताकि कम से कम खपत होती है उसमें, ये कर जाते इतना बुहरान ना होता। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इल प्लानिंग है, गवर्नेंस नहीं है, नाहली है, बदइंतज़ामी है, तो ये कर नहीं पा रहे। तो ये मेरी बात हुई थी कल सुई सदरन के MD को, मैंने पूछा था, उन्होंने मुझे बिलीव किया था कि 3-4 दिन के अंदर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, ये उन्होंने कहा था मुझे। अब देखें इस वक्त, देखें जी तकरीबन कोई जो ये बता रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उसमें भी मुतजाद चीज़ें बताते हैं, कभी एक वफाकी वजीर एक बताता है, कहते हैं 37,000 मेगावाट हमारी मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी है, फिर वो कहते हैं कि जी 34,000 जो है हमारी डिपेंडेबल कैपेसिटी है, फिर कहते हैं 4,000 कैपेसिटी हम फोर्स्ड हमारा क्लोजर होता है, 3,000 हम वॉलंटियर क्लोजर करते हैं। बहरहाल इस वक्त जो शॉर्टेज की बात आपने की, तो कम से कम 7,000-8,000 मेगावाट शॉर्टफॉल है, 5,000 तो सबसे ज़्यादा तरबेला से है, बाकी जगहों पे जो प्लांट्स ये बंद हैं या कुछ हैं वो उनके बंद हैं। लेकिन लोड शेडिंग शदीद है, हम घंटों में आएँ सिंध में, कराची में ही 5-6 घंटे है, बाकी सूबे के बाकी इलाकों में 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग। पूरे सिंध में यो या 12 को 18 कलाकन थी लोड शेडिंग आ, या सिंध के मानून सा ज्यादती आ, सिंध के मानून सा एक इंतकाम जो निशानों उनके बढ़ाए वाले, तो पो तो पूरा सिंध इन वक्त मुतासिर आ, कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, तमाम डिवीजन्स जो नवाबशाह उन शदीद बहरान जो शिकार उन्होंने मतलब ये चाहो ना कुछ हया होती, कुछ शर्म होती है, बई शयू को जल्दी कर।